हे गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं कि स्पेशल केसेस के बारे में, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखकर मैंने सॉल्व किया था कि यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हमने यू एक्स इक्वल टू लिखा, इसके लिए मैंने एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया कि एस फ्रेम जो अर्थ में है, रेस्ट में है, और इसके कंपेरिजन में एक फ्रेम एस डैश मूव करता है जो वी स्पीड से मूव करता है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, और इसके कंपैरिजन में एक स्पेस क्राफ्ट जिसका स्पीड यू डैश है और उसी का इस एस डैश एस के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड यू है। अब स्पेशल केसेज हम लोग लगाते हैं कि अगर यहाँ पे जब उसका स्पीड बहुत ही कम होता है, यू एक्स डैश मच मच लेस देन सी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो इसका स्पीड है वो लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, एंड बी मच मच लेस देन सी, और इस अर्थ के रिस्पेक्ट में या एस के रिस्पेक्ट में जो ये एस डैश फ्रेम है उसका भी स्पीड लाइट के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, मतलब जो दोनों का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत ही कम होता है, तब हम लोग इस फॉर्मूला में रखते हैं कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा एक से, एंड यू एक्स डैश अपॉन सी, चूंकि इसका वैल्यू बहुत कम है, सी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये टेंस टू जीरो होगा। अब जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये मेरे पास कितना आता है, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो वन प्लस जीरो, तो यू एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स डैश प्लस वी, तो यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी, एंड सिमिलरली यू आई इक्वल टू यू वाई डैश हो जाएगा एंड यू जेड इक्वल टू यू जेड डैश। जैसा कि हम लोग को लगता है एकदम सिंपल क्लासिकल फॉर्मूला जैसा, केवल सिंपली हम लोग क्या करते हैं, टू अपोजिट फॉर्म को केवल ऐड कर देते थे। दूसरा, फॉर हायर वैल्यू ऑफ यू एक्स डैश, अगर इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, यू एक्स डैश मतलब इसके कंपेरिजन में इसका स्पीड ज़्यादा होता है, तब क्या होता है यहाँ पे कि वन प्लस यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, तो इसका जो बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा, तो वन पॉइंट समथिंग होगा जो एक से ग्रेटर देन होगा, जब ये ग्रेटर देन होगा तो फिर यहाँ पे होता है यू एक्स इक्वल टू ये वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में एक से जब ज़्यादा वैल्यू होगा तो टोटल वैल्यू लेस देन हो जाएगा, तो एक टोटल वैल्यू यू एक्स, तो यू एक्स लेस देन है यू एक्स डैश प्लस वी से। अब हम लोग देखते हैं कि इसी में आइंस्टीन का सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो भी वैलिड होता है। यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट से इसमें क्या था, लाइट का जो स्पीड्स होता है सभी फ्रेम में सेम होता है। अब हम लोग देखें कि इस फ्रेम के कंपैरिजन में जो इसका स्पीड है अगर लाइट के स्पीड के बराबर है, मतलब यू एक्स डैश इक्वल टू सी होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसी का जो है यू एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो जब हम लोग यू एक्स इक्वल टू डालते हैं तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो सी प्लस वी अपॉन वन प्लस सी इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर, कैलकुलेट करने पर यहाँ पे सी हो जाता है। तो यही है कि यहाँ पे सेकेंड लॉ भी, सेकेंड पोस्टुलेट्स वैलिड होता है कि अगर एक फ्रेम में लाइट के स्पीड से सी के स्पीड से जा रही है तो दूसरे फ्रेम में भी लाइट का स्पीड सी ही होगा। अगर हम लोग इसी को क्लासिकल के फॉर्म में देखते हो तो कितना हो जाता है यहाँ पे, सी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे टू सी हो जाता है, जो कि वैलिड नहीं होता है। लेकिन हम लोग रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स से देखते हैं कि जब दो लाइट के स्पीड को होता है ऐड भी करते हैं तो भी वो लाइट के स्पीड के बराबर ही होता है। फिर सेकेंड में देखिए कि हम लोग अगर दोनों को ऐड कर दिए, अगर यहाँ पे भी सी कर दिए यहाँ पे भी सी कर दिए, जब दोनों को हम लोग सी सी करते हैं तो फिर क्या होता है यू एक्स इक्वल टू यहाँ पे मेरा भी सी हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई भी जो दो पार्टिकल अगर एक दूसरे के अपोजिट भी आता है, अगर ये सी से जाता है इसके रिस्पेक्ट में ये सी से जाता है, तो दोनों का सम भी हमेशा लाइट के स्पीड के बराबर ही होता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड लाइट के सी के बराबर ही होता है कि न कि टू सी के बराबर से होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इससे मेरा और क्लैरिटी होगा। अब ये देखिए कि दो पार्टिकल्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के कंपैरिजन में आ रहा है विथ स्पीड 0.7 सी विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड। हम लोगों ने यहाँ पे अगर लेबोरेटरी किसको अर्थ को मान लिया, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है जिसका स्पीड कितना है 0.6 से, हम लोग को निकालना कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना स्पीड होता है। तो जब इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड यू एक्स लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका वी लेते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना स्पीड से मूव कर रहा है, यू एक्स स्पीड से अगर मूव करेगा तो 0.7 सी, और इसका इस डायरेक्शन में कितना गिवेन हो गया 0.7 सी। लेकिन हम लोग जनरली फॉर्मूला क्या निकालते हैं कि सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग सेम डायरेक्शन कर देते हैं यू एक्स डैश इक्वल टू यहाँ पे, या नहीं तो यहाँ पे हम लोग यू एक्स कर लेते हैं यू एक्स इक्वल टू 0.7 सी, और इसका इस डायरेक्शन में कितना होगा माइनस 0.7 सी,
और ये मेरा रेस्ट फ्रेम एस हो गया, इसके कॉम्पेरिजन में इसका स्पीड इतना गिवेन है, इसके कॉम्पेरिजन में ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन हम लोग पॉजिटिव एक्स में लगाएंगे तो -0.7 से। अब मेरे पास गिवेन डेटा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना रिलेटिव स्पीड होगा, तो इसके जो मूविंग फ्रेम एस डैश होता है उसके कॉम्पेरिजन में इसका हम लोग यू एक्स डैश लेते हैं, तो यू एक्स डैश इक्वल टू कितना होगा, यू एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस यू एक्स इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे यू एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, वी का वैल्यू पुट कर दिए, वी यहाँ पे कितना होगा -0.7 सी। जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आता है 0.94 इंटू सी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई पार्टिकल्स होता है जिसके पास वेलोसिटी यहाँ पे यू डैश कॉम्पोनेंट के फॉर्म में दिया गया है कि यू डैश इक्वल टू 3i + 4j + 12p। यहाँ पे यू डैश गिवेन है, यू डैश का मतलब जो मूविंग फ्रेम एस डैश के कॉम्पेरिजन में जो स्पीड होता है, यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू यू आई इक्वल टू यू एक्स यू आई यू जेड कॉम्पोनेंट गिवेन होता है। अब यहाँ पे गिवेन है वेलोसिटी रिलेटिव टू द लेबोरेटरी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी किसको ले लेते हैं, अर्थ को ले लेते हैं, तो फाइंड यू इन लेबोरेटरी फ्रेम मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में उसी पार्टिकल का कितना स्पीड होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यू एक्स डैश यहाँ पे कितना 3 मीटर पर सेकेंड, यू वाई डैश 4 मीटर पर सेकेंड, यू जेड डैश 12 मीटर पर सेकेंड होता है। अब कंपोनेंट वाइज निकालते हैं, हम लोग जानते हैं यू एक्स इक्वल टू होता है यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यू एक्स डैश यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, वी इक्वल टू यहाँ पे 0.8 सी, क्योंकि वहाँ पे मूव कर रहा था कि यहाँ पे वेलोसिटी 0.8 सी से लेबोरेटरी टू अर्थ मतलब एस के रिस्पेक्ट में वी स्पीड से मूव कर रहा है। जब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आता है 2.4 × 10⁸ m/s। सिमिलरली यू वाई जब निकालते हैं मतलब वाई कंपोनेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो यू वाई डैश √1 - v² / c² यहाँ पे अपॉन 1 + ux - v / c². जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू तो यहाँ पे आता है 2.4 m/s। सिमिलरली यू जेड इक्वल टू यू जेड डैश √1 - v² / c² अपॉन 1 + uz - v / c। यहाँ सब जगह x ही है, यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो फिर जब यहाँ पे वैल्यू कर दो, यू जेड डैश यहाँ पे गिवेन है कितना 12 m/s और v का वैल्यू 0.8 m/s। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो आता है 7.2 m/s। फिर जब हमको कंपोनेंट वाइज में अगर गिवन है तो हमको आंसर के कंपोनेंट वाइज में ही लिखना चाहिए। अब मेरे पास आ गया कि x कंपोनेंट कितना है 2.4, y कंपोनेंट 2.4, z कंपोनेंट 7.2 m। तो हमने कंपोनेंट वाइज लिख दिया कि u इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड जे, और यहाँ पर कितना है इक्वल टू 2.4 × 10⁸ i + 2.4 j + 7.2 m/s। ये न्यूमेरिकल कई बार आ चुका है, और भी एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग, मेरा उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल और देखिए, ये स्पेस क्राफ्ट ए हैज वेलोसिटी 0.9 सी रिलेटिव टू अर्थ। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है कि ए का स्पीड गिवेन है, तो हमने अर्थ में माना एस फ्रेम, इसके रिस्पेक्ट में जो कोई स्पेस क्राफ्ट ये है तो उसका स्पीड कितना 0.9 सी हम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद कहा था कि अनदर स्पेस क्राफ्ट बी ओवरटेक्स ए, जो दूसरा स्पेस क्राफ्ट बी है वो इस ए को ओवरटेक करता है। ओवरटेक करता है कितने स्पेस, रिलेटिव वेलोसिटी 0.5 सी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इसके कॉम्पिटिजन में जो इसका स्पीड होता है रिलेटिव वेलोसिटी वो 0.5 सी। और हम लोग जानते हैं कि एस डैश या मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी लेते हैं स्पेस क्राफ्ट का यू डैश लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे यू एक्स डैश इक्वल टू गिवन है 0.5 सी। अब यहाँ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्पेस क्राफ्ट बी, इसका निकालना बी का रिलेटिव टू ग्राउंड, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड निकालना है, मतलब यू एक्स या यू वी हम लोग को निकालना होता है। तो हम लोग का गिवन कितना होगा, वी इक्वल टू 0.9 सी, यू एक्स डैश इक्वल टू 0.5 सी, निकालना क्या है यू वी या यू एक्स, तो हम यहाँ पे गिवन है। फिर यू एक्स इक्वल टू कितना होता है, जो फॉर्मूला यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही एक्स कंपोनेंट वी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यू एक्स डैश इक्वल टू या यू बी डैश कितना है 0.5 सी, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 0.5 सी, वी का वैल्यू 0.9 से, और फिर यहाँ पे 1 + 0.5 सी × 0.9 सी / c². जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आता है 0.965 सी।
अब यहीं पे क्लासिकल इसको ऐड कर दो कितना, सिंपली हम लोग ऐड कर देते, तो जब सिंपली ऐड कर दे कितना होता, 0.5c प्लस 0.9c इक्वल टू कितना होता 1.4c, जो कि ग्रेटर देन सी होता है, जो कि इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे देखें कि ऐड करने के लिए अपोजिट होना चाहिए, तो अगर इसके कॉम्पेरिजन में हम लोग ये देखते हैं कि इसके कॉम्पेरिजन में ये वी स्पीड से इधर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना होता है ये वाला। अब इस दोनों का अगर हम लोग कॉम्पेरिजन करते हैं कि एक इस वी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस स्पीड में जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं क्लासिकल में। तो यहीं पर हमने सम कर दिया था, यहाँ पे सम कर दिया था क्लासिकल में, जो कि हमेशा लाइट के स्पीड से बड़ा बड़ा आता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ए रॉकेट ए ट्रेवल्स टुवर्ड्स द राइट, कोई एक रॉकेट ए है जो राइट तरफ ट्रेवल करता है, एंड रॉकेट बी ट्रेवल्स टू द लेफ्ट, और बी क्या करता है, बी लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी 0.8c, मतलब इसका वैल्यू गिवेन है 0.8c और इसका वैल्यू गिवेन है 0.6c। अब निकालना क्या है कि यहाँ पे गिवन है रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे गिवन है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए मेजर्ड फ्रॉम बी। अब इसका वेलोसिटी निकालना है इसके फ्रेम में, तो जनरली जो मूविंग फ्रेम होता है उसके रिस्पेक्ट हम लोग क्या लेते हैं, डैश ले लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये यू एक्स कंपोनेंट हमने ले लिया है कि यू एक्स इक्वल टू 0.8c, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा, यू एक्स डैश हम लोग को निकालना होता। अब देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी गिवन है 0.6c, तो हम लोग जनरली फॉर्मूला लगाते हैं पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग वी कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी इक्वल टू -0.6c। अब यहाँ पे अर्थ के रिस्पेक्ट में वी इक्वल टू हो गया कितना, -0.6c, और यू एक्स इक्वल टू 0.8c, तो हम लोग को इसके रिस्पेक्ट में यू एक्स डैस निकालना, फिर यू एक्स डैस का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। यू एक्स डैस यहाँ पे मैंने ए ले लिया है क्लेरिफिकेशन के लिए कि ये पार्ट के लेके लिए निकालना, तो यू ए डैश इक्वल टू यू ए माइनस वी अपन वन माइनस यू ए डैश इंटू वी इंटू सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे यू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0.8c, ये वैल्यू पुट कर दिया, माइनस यहाँ पे वी का वेलोसिटी कितना होगा इस डायरेक्शन में, -0.c, तो -0.6c मैंने वैल्यू पुट कर दिया। जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आता है 0.9459 एंड सी। थैंक यू।